फोन थोड़ा साइलेंट पे रख लेना चाहिए, बीच में करते हैं ये तो नहीं कर। रहा क्योंकि उस वक्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह, और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें दो जो दहशत गर्द हैं वो मारे हुए पाए गए, एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47 AK-56 पकड़ा गया, काफ़ी आर्म्स एंड अमुनिशन एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया, और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है, ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। शुरू में OGW का काम करता रहा और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। EDI में अगर आपको याद हो February 16 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी और CRP के 8 जवान शहीद हुए थे, इसी ने टेररिस्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया था। उसके बाद ये खुद दहशतगर्द बन गया, लश्कर ए तौबा ज्वाइन किया इसने, और उसके बाद एक अटैक जून में हुआ जो फ्रिस्बल पामपुर में, उसमें भी 8 लोग CRP के मारे गए थे, उसमें जो सीधे रूप में शामिल था। फिर एक दिसंबर में कदलबल पामपुर में अटैक हुआ, वो अटैक भी इसने लीड किया था, उसमें 3 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बहुत हार्डकोर टेररिस्ट को अपनी सफ़ों में शामिल करना, अपने साथ मिलाना, मोटिवेट करना, दहशतगर्द बनाना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। 4 दहशतगर्द ऐसे जो लश्कर ए तौबा में जो नामी इसने पैदा किए, तसद्दक अमीन, साकिब खांडे, रफीक अहमद डार, आदिल अहमद बड़गामपुरा वाला, ये चारों के चारों मारे जा चुके हैं, मगर इसी ने उनको ज्वाइन भी करवाया था लश्कर ए तौबा और उनको ट्रेन भी किया था। पाकिस्तान एंड इट्स एजेंसीज, इट्स नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। किलिंग ऑफ रीसेंट किलिंग ऑफ एडवोकेट बाबर कादरी would have been ordered somewhere from, instructed somewhere from, instigated somewhere from Pakistan terror handlers who were operating from across the border. It's not a normal killing which has happened. We have seen the audio videos which were issued by Babar Qadri before he was unfortunately killed by the terrorists. As I said, we have identified the people. We would also try to get into the roots of as to how it was planned, where the conspiracy took place. But every time, you know, it ends up with somebody working from across, and this is being done to send a sense of scare among the people that they are not able to speak truth, they are not able to talk freely, that the Pakistan hand is involved. They are not able to talk freely that terrorists are not becoming terrorists on their own, they are being made terrorists. That is what Advocate Babri said in his Facebook interaction. That is what he was trying to clarify. So there are people working this side of the line and that side of the line to see that situation remains disturbed, situation does not become normal, people are kept under scare and fear. But we are there, our joint efforts are that we are trying to create an environment of peace, an environment where people can move about freely. But so long as terrorist gun and instigation by Pakistan is there, some incidents of this nature are bound to take place. You can't rule them out. So that's it.